अभी हम आए हुए हैं वाईमा सेंटर, जो गारमेंट मार्केट है, जो कि एकदम वाईमा सेंटर के सामने ही है। ये देखिए ये है वाईमा सेंटर, ठीक उसका अपोजिट में बना हुआ है वाईमा सेंटर। एडवर्टाइजमेंट के लिए पूरा आपका रूप को ही इस्तेमाल कर लिया है लोग, बहुत ही यूनिक तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अभी हम आए हुए हैं वाईमा सेंटर, जो गारमेंट मार्केट है, जो कि एकदम वाईमा सेंटर के सामने ही है। ये देखिए ये है वाईमा सेंटर, ठीक उसका अपोजिट में बना हुआ है वाईमा सेंटर। ये भी बहुत बड़ा मार्केट है वाईमा सेंटर का तरह, यहाँ पे भी आपको ज़्यादातर होलसेलर मिलेंगे। तो यहाँ भी क्या क्या मिलता है थोड़ा आपको हम दिखा दें, इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा और एक मार्केट। ये मतलब गोंजा रेलवे स्टेशन का जो चारों साइड में है, आपको मार्केट ही मार्केट मिलेंगे और मैक्सिमम आपको मिलेंगे होलसेल मार्केट। ये अभी रिटेल सेक्शन में हम हैं, यहाँ रिटेल आगे जाके सब आपको होलसेल मिलेंगे। ये देखें यहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए पूरा आपका रूप को ही इस्तेमाल कर लिया है लोग, बहुत ही यूनिक तरीका है आपका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे सारे होलसेल दुकान है, लेकिन एज यूजुअल चाइना में जो मार्केट में हम लोग जाते हैं उसी के तरह सामने में ये लोग रिटेल के लिए कुछ रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड है, हर दुकान में इस टाइप का नहीं है। और यहाँ पे भी आपका जो वुमेन्स गारमेंट्स का जो आउटफिट है तो बहुत ही अपग्रेडेड टाइप का है, जो कि थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर का है। देखिए हाँ, ये मार्केट में आपको वुमेन्स मार्केट का वुमेन्स गारमेंट के साथ साथ आपका किड्स गारमेंट्स भी है, तो यहाँ पे अगर आप आए तो आपको किड्स गारमेंट्स का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि रिटेल एंड होलसेल दोनों में है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाईमा गारमेंट्स मार्केट है, यहाँ पे आपका जो गारमेंट्स का कलेक्शन मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, जो कि शाहो और आपका वाईमा से। तो अगर आप गारमेंट्स बिजनेस के पर्पस में आते हो तो यहाँ पे भी आप विजिट करो, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा और वैरायटी भी बहुत सारा है, लेकिन थोड़ा सा हटके है या कपड़े वगैरह। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे भी आए, यहाँ पे आपका वुमेन्स गारमेंट का साथ आपका किड्स गारमेंट्स का भी ऑप्शन है, प्लस ऊपर में ऐसा भी हम फर्स्ट फ्लोर में है, ऊपर का फ्लोर में आपको आपका मेंस गारमेंट्स भी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं, लेकिन जब आपका यहाँ पे दुकानें वगैरह सब सिमिलर टाइप का ही है, आप थोड़ा बहुत देखने से ही आपको पता चल जाता है तो आपको इस टाइप का चाहिए। तो सेकेंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका बेसमेंट में कैफेटेरिया वगैरह बना हुआ, फिर बेसमेंट का एक लोअर बेसमेंट भी है। मार्केट तो बहुत ही बड़ा है,
ये मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट है, आप अगर आप आए तो थोड़ा सा टाइम लेके आए। ये माहिमा सेंटर से भी बहुत बड़ा मार्केट है और थोड़ा स्पेशियस है, थोड़ा एकदम फैला हुआ मार्केट जिसे बोला जाता है। अभी हम सेकंड फ्लोर में आ चुके हैं। यहाँ पे सेकंड फ्लोर में भी वुमेन्स गारमेंट की है मेनली, और यहाँ पे दुकानें थोड़ा यूनिक टाइप का बने हुए हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, ये आपको देख के अच्छा लगेगा। देखिए ये सेकंड फ्लोर में सारे होलसेल का ही दुकान है, लोग रिटेल में डील ही नहीं करते हैं, और ये लोग का पास मतलब ओनली सैंपल ही रहते हैं। अगर आप उसका साथ बैठ के डील करेंगे तो उसका बाद आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी। ये एरिया में ये न्यूली बिल्ट एरिया है, अभी नया बना है, और यहाँ का जो शॉप्स का जो इंटीरियर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, बहुत ही यूनिक यूनिक स्टाइल का ये लोग इंटीरियर बनाया है। ये देखिए एक्चुअली ये लोग का जो गारमेंट्स है बहुत ही फैशनेबल है, इसीलिए ये लोग थोड़ा कैमरा में भी रिस्ट्रिक्शन रखे हैं, तो कैमरा में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, हम कोशिश भी नहीं करेंगे उठाने के, हम बाहर से करते हुए जाएंगे। सबका अपना बिजनेस पॉलिसी है, अपना सीक्रेसी है। ये देखिए आप गारमेंट सब शॉप, और यूनिक स्टाइल का शॉप, जो भाई इंटीरियर करते हैं शॉप्स के लिए उन लोगों के लिए यूनिक आइडिया। अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं। एक्चुअली यहाँ सब तो होलसेल का ही काम है लोग का, और थोड़ा सा कैमरा में भी ये लोग रिस्ट्रिक्शन रखे हैं, इसलिए मैं कोई शॉप का अंदर नहीं ढूंका, आपको एक वॉकिंग टूर दे दिया। तो अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे से बाहर की तरफ जाएंगे देखते हुए। अभी क्या ये बहुत ही बड़ा एरिया, लेकिन बहुत स्पेशियस आपका ये बनाया है जो मार्केट है। तो अभी हर दुकान ओपन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अभी भी ओपन होने में बाकी है, उसका आपका इनोग्रेशन का काम चल रहा है, तो इनोग्रेशन हो जाने के बाद ये लोग फिर इसको ओपन करेंगे। फ्रेंड्स ये मार्केट आके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसका हर शॉप जो भी दुकानें हैं ये लोग का इंटीरियर ने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है। इतना बढ़िया बढ़िया इंटीरियर, इतना यूनिक यूनिक इंटीरियर, सबको मतलब दुकानें देख के ही आपको मजा आएंगे यार, किस तरीके का एकदम यूनिक आइडिया, तो एकदम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आप अगर इधर आए तो आपको गारमेंट्स तो ही है, आप यूनिक जो आपका दुकान का आइडिया लेके जा सकते, शॉप्स को कैसे यूनिक टाइप का सजाया जा सकता।
फ्रेंड्स, आज हम अपना वाइमा सेंटर का जो ब्लॉग है यहीं ख़त्म करते हैं। ये वाइमा सेंटर का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ का यूनिक जो शॉप्स है, जो दुकान को सजाने का जो स्टाइल है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को भी कैसा लगा थोड़ा बताइएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी भी हम गोंजाव सिटी में हैं, यहाँ पे मार्केट्स का तो भरमार है, देखिए हम कितना मार्केट्स कवर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गोंजाव का वाइमा सेंटर से